महंगाई और सीबीआई, बीजेपी के भाई भाई। मैं जानता हूं ना सुर है ना तान है और पंक्तियां भी कोई बहुत ज्यादा रचनात्मक नहीं है, मगर ये सवाल पूछिए विपक्ष के उन नेताओं से जिनके करियर खत्म किए जा रहे हैं सीबीआई के दबाव के चलते। सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से जो एक वॉशिंग मशीन बन गई है, यानी कि कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के शरण में चले जाए उसके तमाम दाग धुल जाते हैं और वो बस कुछ ही लम्हों में मैं प्रमाणित करने वाला हूं। और ये सवाल पूछिए दोस्तों उस आम जनता से, क्योंकि एलपीजी के दाम आज फिर बढ़ गए। ना कोई ताकत ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद में तेरे। मगर दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं सीबीआई की। आप देख रहे हैं बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल आज से कई सालों पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सीबीआई के बारे में उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। देर इज नो ऑपोजिशन लीडर ऑन हुम सीबीआई हैज नॉट बीन अनलीस्ड, दिस शोज देयर लैक ऑफ ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो कोई भी ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जिस पर सीबीआई को छोड़ा नहीं गया है। इससे पता चलता है कि मौजूदा सरकार का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तो पिछली सरकार से इंस्पायर होके उससे चार कदम आगे जाकर जो रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, क्या आपको इस बात का आभास है? चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, आप ही का बयान है, मैं जनता को सुना चुका हूं। अब जरा मैं कुछ चेहरों से आपका परिचय कराना चाहता हूं, वो चेहरे जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये है नारायण राणे। क्या आप जानते हैं कि नारायण राणे पर 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का आरोप था? जी हां, आज वो केंद्र में मंत्री हैं। आरोप कितना गंभीर था, 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट, इतना गंभीर आरोप था नारायण राणे पर दोस्तों। मगर जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं तमाम केसेस उड़न छू। इसलिए तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, जहां जो शामिल हो जाए उसके सारे दाग धुल जाते हैं, क्योंकि भाजपा की नजर में दाग अच्छे हैं। मगर सिर्फ एक नारायण राणे नहीं थे साहब, शुभेंदु अधिकारी, जी हां, पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे बड़े दिग्गज नेता एक जमाने में टीएमसी के साथ थे, अब नारदा घोटाले में इनका नाम था, इनकी जांच भी चल रही थी, मगर फिर जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए रहस्यमय तरीके से तमाम आरोप उड़नछू हो गए। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में इसलिए शामिल हुए, क्या उन्होंने टीएमसी इसलिए छोड़ी क्योंकि नारदा घोटाले में उनकी जांच चल रही थी? मगर ये तो सिर्फ दूसरे व्यक्ति हुए, अभी और भी महानुभव आने वाले हैं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। ये है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, आज की तारीख में चाहे झारखंड की सरकार गिरवानी हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार गिरनी हो, इसके तार असम से यकायक जुड़ जाते हैं। जी हां, यानी कि विधायकों को इधर से उधर लाना हो ये सीधा गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का ये किरदार है। यही नहीं, इन दो कांग्रेसी नेताओं पर गौर कीजिए, जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार करके गुजरात से कहां लाया जाता है, गुवाहाटी लाया जाता है। उसी तरह से पवन खेरा को एक प्लेन से उतार लिया गया था और इन्हें ले जाया जा रहा था गुवाहाटी। माननीय हेमंत बिस्व शर्मा ने तो यह तक कह दिया था कि अगर वो हवा में भी होते ना हम तब भी उन्हें गिरफ्तार कर लेते, ये इनका दमखम है। मगर क्या आप जानते हैं कि इनका भी एक बहुत दिलचस्प इतिहास है जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। हेमंत बिस्व शर्मा ये भी एक ब्राइबरी घोटाले में आरोपी थे, इनके खिलाफ भी जांच जो है वो बंद हो गई जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए।
और अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता असम के मुख्यमंत्री हैं। बात यहां नहीं रुकती, अब आपके स्क्रीन पर भावना गावली। भावना गावली जो थी वो शिंदे सेना में है, यानी कि एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हैं। मैं आपको बता दूं, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें 5 बार बुलाया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 5 बार बुलाया, मगर भावना गावली नहीं गए। उसके बाद वे एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो गए जब उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे से जमीन खींच दी गई, उनकी सरकार चली गई। भावना गावली रात भर सो नहीं पा रही थी, 5 5 बार ईडी ने बुलाया था, मगर जैसे ही वो एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुई या उनके साथ हुई, ईडी ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। अब भावना गावली जो हैं वो सुख की नींद सोते हैं। अब याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले क्या कहा था कि लोकतंत्र में भरोसा नहीं है कांग्रेस सरकार को, सीबीआई के जरिए विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। अरे मोदी जी, आप तो इन तमाम लोगों का हृदय परिवर्तन करवा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है। और क्या आप जानते हैं भावना गावली जो हैं वो अब चीफ व्हिप भी हैं शिवसेना की लोकसभा में। अब इन दो विधायकों पर गौर कीजिए, यामिनी जाधव और उनके पति यशवंत जाधव, इन दोनों पर फेमा के उल्लंघन को लेकर ईडी की जांच चल रही थी जब वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, मगर फिर दोनों एकनाथ शिंदे के साथ हो गए शामिल। मामला कहां गया, कहां उड़नछू हो गया, बताइए मित्रों, क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए। मोदी जी बिल्कुल इसी अंदाज में बोलते हैं ना, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, इनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं बेशक हंसकर मजाक कर ये तमाम बातें कर रहा हूं। अब गौर कीजिए इस चेहरे पर, प्रताप सरनायक, इन पर भी ईडी की रेड पड़ी थी, उस वक्त वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इन पर जैसा मैंने बताया मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा था, ईडी की रेड भी पड़ी, सब कुछ हुआ, अब मामला कहां है। पूछिए ये सवाल मैं ईडी से भी पूछना चाहता हूं, सब आपने रेड मारी थी, क्या हुआ? प्रताप सरनायक भी क्या उसी वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गए थे जिससे धुलने के बाद सारे दाग धुल गए? और भाजपा की निगाह में दाग 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 अच्छे हैं। अब इस चेहरे पर गौर कीजिए दोस्तों, बीएस येदुरप्पा, इनके साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ पकड़ के चलते हैं, इन पर भी ढेरों आरोप थे दोस्तों। कौन कौन से? बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उसमें जो है रिश्वत को लेकर आरोप था, लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एक निजी शिकायत भी बहाल की थी। ये तमाम आरोप थे दोस्तों, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें सम्मानित करते हैं, उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चलते हैं। ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हुआ तेरा वादा? वो वादा कि मित्रों न खाऊंगा न खाने दूंगा, यहां क्या हो रहा है, सारे घर के बदल डालूंगा हैं? यानी कि मेरे साथ आ जाओ तो तमाम आरोप जो है वो धुल जाएंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ आधा दर्जन लोगों की मिसाल दी है दोस्तों। अगर मैं आपके सामने उन कांग्रेस या अन्य पार्टी के नेताओं का जिक्र या मैं आपको मिसाल देने लगूं ना, पूरा दिन गुजर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इस कदर लोग धुल जाते हैं। इसलिए कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने निहायत ही बेसुरे अंदाज में गाया था, बीजेपी और सीबीआई साथ में आ गई महंगाई, आपस में है भाई भाई, यह हकीकत है दोस्तों। बहरहाल मैं महंगाई की भी कर रहा था दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर ये हैं महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, देखिए साहब किस तरह से बैठ जाया करती थी ये सिलेंडर के साथ, उफ जज्बा देखिए साहब, यानी कि आपने जितने भी सीरियल्स में काम किया आपकी ये जो एक्टिंग है मुझे सबसे बेहतरीन लगी। और याद कीजिए इन्होंने क्या ट्वीट किया था आपके स्क्रीन पर, 24 जून 2011 का इनका ट्वीट है,
एलपीजी के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी और ये अपने आप को आम आदमी पार्टी की सरकार कहते हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये स्मृति ईरानी ने कहा था, वो स्मृति ईरानी जिनका काम सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोल करना है, सिली सोल्स को लेकर सवाल आए तो उसका जवाब नहीं देना है, महिला उत्पीड़न को लेकर जब भी भाजपा के नेता कटघरे में हो तो मोहतरमा उसका जवाब कभी नहीं देंगी। आज जब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से खामोश हैं। खबर क्या है पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। एलपीजी महंगी हो गई है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं, वहीं कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 350 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2119 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। अरे भाई कौन सा त्यौहार आने वाला है, दिवाली? नहीं, दिवाली तो हो गई, दिवाला तो निकल गया, अब आने वाली है होली। और होली से पहले मोदी सरकार की सुप्रीम भेंट, कितनी राजनीति की थी ना इन लोगों ने, भ्रष्टाचार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला है ना, ये फॉर्मूला तो पिछली सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने भी नहीं लगाया था। यानी कि विपक्ष को ब्लैकमेल करो, दबाव डालो, उनकी सरकारें गिराओ और जब उनके विधायक सांसद आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो सभी आरोप जो हैं वो उड़नशू हो जाते हैं। ये तमाम तथ्य हैं मित्रों, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए मैंने कहा बीजेपी महंगाई और सीबीआई ये हैं आपस में भाई भाई। और मैं जानता हूं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इनके पास मीडिया है और वो मीडिया जो आए दिन जहर उगलते रहता है और वो जहर का इनाम जो है वो जनता के ब्रेन वॉश होने के तौर पर सामने उभर कर आता है, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। मगर इस मंच पर हम आम लोगों के मुद्दे इसी तरह से उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।